ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेपसांग और डेमचाक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है इस पर एक कॉम्प्रीहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में क्योंकि ये देश की ज़मीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा हॉट स्प्रिंग पोंगसोंगसू लेक में हम ऐसे पच्चीस पेट्रोलिंग प्वाइंट्स को खो चुके हैं तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रहेंसिव डिबेट हो दूसरा हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो पचास फीसद रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में ताकि आप जो ओ से मोहब्बत का वादा करते हैं दावे करते हैं उसको पूरा कर सकें और ख़ुद प्रधानमंत्री ओ हैं तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नहीं बिल्डिंग हो वहाँ पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए इनको ऑनर किया जाए क्योंकि पूरा देश इनके इस अचीवमेंट से चाहे वो जेवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड चेंप, एथलेटिक चैम्पियनशिप में और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के, के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए चौथा हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स आप ले चुके हैं और आखिरी बात जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा अगर लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अब अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो चीन दो हज़ार किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है पचास फीसद रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो उसमें उनको सम्मान किया जाए उनको ऑनर किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कानून लाती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा राज्यसभा में पास नहीं होगा असेंबलीज में पास नहीं होगा